दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सर्वे इंजीनियरिंग में टॉपिक है वो है कंटूर सर्वे। ठीक है, इससे पहले हमने प्लान टेबल सर्वे को कंप्लीट किया है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कंटूर सर्वे। समोच्च सर्वे क्या होता है आज हम ये समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपके सर्वे में, यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं। ठीक है, जिसको आपको ध्यान से समझना बहुत ही जरूरी है, तो इसलिए शुरू करते हैं कंटूर सर्वेइंग। कंटूर क्या होता है तो देखना फ्रेंड्स, कंटूर क्या है, ये कह रहा है कि कंटूर एक मैप की तरह होता है। कंटूर एक मैप ही है जिस पर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के साथ साथ किसी वर्टिकल पोजीशंस को भी शो कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो इसने कहा कि कंटूर एक क्या होता है, एक मैप होता है जिस पर हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के साथ साथ वर्टिकल पोजीशंस को भी बताया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये कहता है कि इसको टोपोग्राफी मैप भी कहा जाता है, यानी कि कोई हमारे पास साइट है, कोई हमारे पास जगह है, उसकी ऊपर की क्षेत्र की आकृति, फील्ड की शेप किस प्रकार की है, उसको शो करने के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर इसको हम टोपोग्राफिक मैप भी कह सकते हैं। क्लियर फ्रेंड? इसमें हम हमारे पास जो वर्टिकल पोजिशंस होती है उसको शो करने के लिए हम कंटूर लाइन या शेडिंग का यूज भी किया जा सकता है। ये लिखा हुआ है कि वर्टिकल पोजीशंस को मैप पर, नक्शे पर दिखाने के लिए हम शेडिंग का यूज कर सकते हैं या फिर कंटूर लाइन का भी यूज किया जा सकता है। क्लियर फ्रेंड? तो कंटूर क्या होता है, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। हमारा जो कंटूर है फ्रेंड्स, इसको हिंदी में हम समोच्च के नाम से जानते हैं, समोच्च। ठीक है, याद रखोगे समोच्च सर्वेक्षण। तो याद रखो बस, कंटूर एक मैप की तरह है जिस पर हम हॉरिजॉन्टल पोजीशंस के साथ साथ वर्टिकल पोजीशंस को भी शो कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? इसलिए इसको टोपोग्राफिकल मैप भी कहा गया है, क्योंकि इसमें हम वर्टिकल पोजीशंस को कंटूर लाइन या शेडिंग के माध्यम से शो कर सकते हैं। क्लियर? तो हमारे यहाँ पर कंटूर सर्वे से रिलेटेड कुछ मुख्य परिभाषाएं, कुछ मेन डेफिनेशंस बनती हैं जो हमारे लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो वह क्या क्या बनती है उनको देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखना फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास, हमने भी जो एक वर्ड यूज किया था इसमें, कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन क्या होती है इसको समझ लेते हैं फ्रेंड्स। कंट्रोल लाइन एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है और कोई लाइन नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा इसलिए कहा गया है, ये कहता है कि जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन होती है उसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल लाइन बोलते हैं। आपके पास फ्रेंड, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक डेटम है, ठीक है, ये हमने एक डेटम मान लिया और हमारे पास यहाँ पे कोई ग्राउंड लेवल है, ये हमने क्या मान लिया फ्रेंड, इसमें डेटम, ये हमारा कोई डेटम है और ये हमारे पास कोई ग्राउंड लाइन है या ग्राउंड लेवल है। तो यहां से उठने वाले जो एलिवेशन है ये कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं कि 100 मीटर का है, मान लेते हैं कि ये 90 मीटर का है, मान लेते हैं कि 91 मीटर का है, मान लेते हैं कि यहाँ पर फिर कोई 90 मीटर का मिला, ऐसे कोई 92 मीटर का मिला, फिर कोई 90 मीटर का मिला। तो जो ये 90 इक्वल एलिवेशन जो आपको दिख रहे हैं, इन इक्वल एलिवेशन को जोड़ने वाली जो लाइन होगी उसी को हमने कंटूर लाइन का नाम दिया है। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है कि वह लाइन जो समान एलिवेशन के पॉइंट को जोड़ती हो, कंट्रोल लाइन, सीएल शॉर्ट में लिख दिया, कंट्रोल लाइन कहलाती है। क्लियर? तो एक काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमें इक्वल एलिवेशन के पॉइंट मिल पड़े। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक तरीके से एज्यूम करते हैं, एक काल्पनिक कल्पना कर लेते हैं कि हाँ कुछ ऐसी लाइन होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसी थ्योरी के आधार पर इसको एक इमेजिनरी लाइन बोल दिया गया है। तो आप याद रखोगे कि कंटूर लाइन क्या होती है, जो समान है, जो इक्वल एलिवेशन के पॉइंट को जोड़ती होगी वही हमारी क्या होगी, कंटूर लाइन होगी। क्लियर? ये आप देखो, इसको एक नई डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं, इसके एक सेकेंड डेफिनेशन हम कैसे बना सकते हैं। हमारे पास क्या है, ये एक आपका डेटम है और ये आपके पास एक क्या है, ग्राउंड लाइन है, ग्राउंड लेवल है। तो ये कहता है कि लेवल सरफेस और ग्राउंड सरफेस के इंटरसेक्शन द्वारा, लेवल सरफेस क्या है, ये एलिवेशन उठ रहे हैं, इनसे आपको कोई एक लेवल मिलेगा, आप इनको कहीं ना कहीं मिलाओगे, एक लेवल प्राप्त करोगे। ठीक है, तो लेवल सरफेस और ग्राउंड सरफेस जहां पर भी एक दूसरे को कट कर देंगे उसको भी हम क्या कह देंगे, कंट्रोल लाइन। तो
तो ये कह रहा है कि लेवल सरफेस और ग्राउंड सरफेस के द्वारा जो के इंटरसेक्शन द्वारा जो लाइन आपको प्राप्त होगी उसको हम क्या नाम देंगे फ्रेंड्स, लेवल लाइन का या कंट्रोल लाइन का नाम देंगे। दोबारा देखना, ये हमारे पास डेटम है, यहाँ पर हमारे पास ये कोई ग्राउंड है और आपने इस पर ये कोई एलिवेशन लेने स्टार्ट किए, ठीक है। ये आपके पास कोई एलिवेशन आपने यहां से लेने स्टार्ट किया, मान लेते हैं कि 100 मीटर, मान लिया हमारे पास ये 91 मीटर, ये 90 मीटर, ये कोई 101 मीटर, ये मिल गया आपको। तो आप फाइनली इनको मिलाने के बाद जो आपको एक लाइन मिलेगी इनके, तो आप देख रहे हैं कि ये आपके पास क्या है, ग्राउंड लाइन है, और ये आपके पास क्या है, कंट्रोल या लेवल लाइन बोल सकते हो आप, लेवल लाइन है। तो इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन आपको मिलती है उसी को बोल देते हैं कंट्रोल लाइन। तो ये सेकंड डेफिनेशन होती है, याद रखोगे। अब अलग अलग वर्क के आधार पर इसको एक अलग भी नाम देते हैं, जैसे कि कह रहा है कि जब कंटूर आप अंडर वाटर ड्रॉ करोगे, पानी के अंदर अगर आप कंटूर ड्रॉ करते हो फ्रेंड्स, तो उसका नाम चेंज हो जाता है। तो तब क्या नाम देते हैं उसको, आप देखो कि जब कंटूर अंडर वाटर ड्रॉ किया जाता है तब यहां यार ये है, ठीक है फ्रेंड्स, तब ये है सबमैरिन कंटूर या फैथोम्स या फैथमेट्रिक्स कर्व कहलाता है। याद रखोगे जब इसको अंडर वाटर ड्रॉ करेंगे तब यही कंटूर का नाम क्या बन जाएगा, सबमैरिन कंटूर या फैथोम्स या बैथमेट्रिक कर्व कहलाता है। क्लियर? तो याद रखोगे कि कंटूर लाइंस या कंटूर रेखा है, समोच्च रेखाएं क्या होती है। क्लियर? तो देखोगे फ्रेंड नेक्स्ट कंटूर लाइन हम जो पढ़ रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा मेथड होता है किसी भी फीचर्स को दिखाने का। तो लिखा हुआ है दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स। प्रकृति के जो फीचर्स हैं हमारे पास उनको शो करने के लिए बहुत ही बेस्ट मेथड है। जैसे कि आपको हिल्स पहाड़ी को आपको नक्शे पर दिखाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई डिप्रेशन अंडर वाटर मतलब कोई खाई टाइप की है आप उसको शो कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? बस किसी आप टू डायमेंशनल पेपर के माध्यम से, ठीक है। तो किसी भी फीचर्स को शो करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है कंटूर सर्वे। क्लियर फ्रेंड? याद रखोगे। हमारे पास अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, फर्स्ट थी, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास अब आती है कंटूर इंटरवल। अब ये कंटूर इंटरवल क्या है इसको ध्यान से समझोगे। कंटूर इंटरवल दो कंटूर लाइन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? हमारे पास दो कंटूर लाइन है और ये बीच का वर्टिकल गैप कितना है वही हमारा क्या कहलाएगा, कंटूर इंटरवल कहलाएगा। क्लियर? ये तो उसकी डेफिनेशंस की बात है। अब आप देखते हो हम कोई भी मैप वगैरह अगर यूज करते हैं तो किसी स्केल पर एक सुटेबल स्केल के माध्यम से उसको हम बनाते हैं। तो जो हमारा कंटूर इंटरवल है स्केल के साथ एक रिलेशन रखता है और उस रिलेशन को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि कंटूर इंटरवल किसी भी मैप के स्केल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ कि कंटूर इंटरवल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्केल ऑफ मैप। याद रखोगे कंटूर इंटरवल स्केल ऑफ मैप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आप स्केल ऑफ मैप इंक्रीज कर रहे हो, यहां से आप मैप के स्केल को बढ़ा रहे हो, तो उस केस में आपका जो कंटूर इंटरवल है ये डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। या इसका अपोजिट आप बोल सकते हो कि भाई मैं कंटूर इंटरवल को बढ़ा रहा हूं, तो ठीक है बढ़ा दो, उस केस में क्या हो जाएगा आपका जो स्केल है मैप का जो स्केल है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखोगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कंटूर इंटरवल स्केल ऑफ मैप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब कंटूर इंटरवल एक ऐसी वर्टिकल डिस्टेंस है कि हम इस कि कुछ कंटूर्स के लिए ये इसको हम एक कांस्टेंट वैल्यू भी रख सकते हैं, अपनी इच्छात्मक के रूप में हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि कुछ सर्वे है, कुछ आपके स्टैंडर्ड सर्वे है जिनके लिए कंटूर इंटरवल फिक्स रखा जाता है, स्टैंडर्ड वैल्यू है हमारे पास, कौन सी भी आपको बताता हूं। तो वही नेक्स्ट लाइन आपकी लिखी हुई है कि इट इज डिजायरेबल टू हैव ए कांस्टेंट कंटूर इंटरवल। यह आपकी इच्छात्मक के अनुसार कांस्टेंट कंटूर इंटरवल के रूप में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब वह वैल्यू कौन कौन सी है उनको देखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो देखोगे फ्रेंड
कुछ स्टैंडर्ड वर्क है, स्टैंडर्ड सर्वे हमारे पास, जिनके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होती है कंटूर इंटरवल की। जैसे कि हमारे पास कोई हाईवे या आप रेलवे सर्वे कर रहे हो तो उनके लिए कंटूर इंटरवल 2 मीटर रखा था। ये कंटूर इंटरवल दोबारा समझना क्या होता है, हमारे पास ये ग्राउंड लाइन है और इस पर मिलने वाले ये कंटूर रेखाएं हैं। मान लो आपके कोई कंटूर इंटरवल या आपके पास कंटूर लाइन है तो इनके बीच की एक कंट्रोल लाइन हमने ये मान ली, एक कंट्रोल लाइन हमने ये मान ली, एक कंट्रोल लाइन हमने ये मान ली। तो फ्रेंड्स इनके बीच का जो ये वर्टिकल गैप है, इस वर्टिकल गैप को ही कंट्रोल इंटरवल कहा जाता है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये कंट्रोल इंटरवल होगा, आगे कोई और आपको कंट्रोल लाइन है तो ये जो वर्टिकल गैप आपको मिलता जा रहा है इसी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल इंटरवल कहा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो याद रखोगे कंट्रोल इंटरवल क्या है ये। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज की। तो वैल्यूज कौन सी, आप याद रखो कि किसी हाईवे या रेलवे से रिलेटेड आप कोई वर्क कर रहे हो तो उनके लिए आप मैक्सिमम या स्टैंडर्ड कंट्रोल इंटरवल 2 मीटर रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना ये डिजायरेबल वैल्यू होती है, तो ये डिजायर हमने कर दी यहाँ पे। क्लियर, कोई आपके पास अर्थ वर्क कर रहे हो, बिल्डिंग साइट है, कोई डैम है, कोई सिटी सर्वे आप कर रहे हो, उसके लिए हम कंट्रोल इंटरवल 0.5 मीटर रखते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे है उसके लिए हम कंट्रोल इंटरवल 6 से 15 मीटर रखते हैं। तो ये वैल्यू डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि स्टैंडर्ड वैल्यू बताइए कंट्रोल इंटरवल की किसी जियोलॉजिकल सर्वे के लिए। तो आप उसको बता दो 6 से 15 मीटर के करीब हम कंट्रोल इंटरवल जियोलॉजिकल सर्वे के लिए रखते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखना फ्रेंड नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, क्षैतिज समतुल्य। जैसे उधर वर्टिकल आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस हमने पढ़ी, कंटूर इंटरवल हमने पढ़ा, ऐसे ही वो वर्टिकल डायरेक्शंस में होता है। कंटूर इंटरवल समोच्च अंतराल उसको हिंदी में बोलते हैं। तो वो वर्टिकल डिस्टेंस थी दो कंटूर लाइन के बीच का, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्षैतिज समतुल्य, ये दो कंटूर लाइनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहा जाता है। तो सेम डेफिनेशन है, टू सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब क्रमागत, जो एक के बाद एक लाइन आपको मिलती जा रही है उनके बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोला गया है। क्लियर फ्रेंड्स, आपके पास ये कोई कंट्रोल लाइन है, ये कोई कंट्रोल लाइन है, ये कोई कंट्रोल लाइन है, तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये वाली, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस हमारे पास थी इसको हमने क्या बोल दिया था, अभी कंट्रोल इंटरवल बोल दिया था। क्लियर फ्रेंड्स, अभी आगे समझोगे आप, इस एयर पॉइंट को ये हमारे पास इधर कोई कंट्रोल लाइन नहीं है, इधर कोई कंट्रोल लाइन नहीं है, तो इनके बीच का जो ये गैप है इसको हमने बोल दिया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। और यहां से इसका जो वर्टिकल गैप था हमारे पास, ये इन कंट्रोल लाइन का जो वर्टिकल गैप था इसको हमने बोल दिया कंट्रोल इंटरवल। और फ्रेंड्स अगर हम इन पॉइंट्स को ऐसे देखते हैं, यहां से इनको यहां मिलाते हैं तो इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रेडिएंट। क्या बोलते हैं, कंटूर ग्रेडिएंट बोलते हैं सीजी, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कंटूर ग्रेडिएंट। तो सेम ऐसे डेफिनेशन आपकी बनती है, बस वर्टिकल की पोजीशंस को हम कैसे दिखा देंगे, हॉरिजॉन्टल में बदल देंगे, डेफिनेशन वही रहती है। तो दो कंटूर लाइन के बीच की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको कंटूर इंटरवल कहा गया है। अब ये कॉन्स्टेंट नहीं होती, ठीक है, जैसे आपका कंटूर इंटरवल कॉन्स्टेंट हो सकता है बट ये कॉन्स्टेंट नहीं होती, ये आपकी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, डिपेंड होती है कि ग्राउंड की स्टिफनेस कैसी है, ग्राउंड का ढाल कैसा है। ठीक है, तो वही यहां लिखा हुआ है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है एंड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, और ये पॉइंट टू पॉइंट बिंदु दर बिंदु आपकी बदलती रहती है और डिपेंड करती है अपॉन स्टिफनेस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की स्टिफनेस पर, ग्राउंड के ढाल पर, तेज ढाल पर डिपेंड करती है। कैसे भला, देखोगे स्टिफर ग्राउंड, अगर तेज ढाल वाला ग्राउंड आपके पास है तो वहां पर एच ई की वैल्यू लेस होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखोगे इंपॉर्टेंट लाइन है कि तेज ढाल के लिए कंट्रोल इंटरवल कितना रखा जाएगा, तो आप कंट्रोल इंटरवल बोला सॉरी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कितना रखा जाएगा, तो आप कहोगे फ्रेंड्स कि लेस रखा जाएगा। ऐसे अगर वो बोल दे कि कम ढाल वाले ग्राउंड के लिए कितना रखा जाएगा, तो आप कहोगे ज्यादा रखा जाएगा, तो मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ ना। तो आप याद रखोगे कि आपका जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये स्टिफनेस ऑफ ग्राउंड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्टिफनेस ऑफ ग्राउंड जितनी ज्यादा होगी कंट्रोल इंटरवल उतना ही हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट उतना ही कम होगा, और आपकी स्टिफनेस ग्राउंड की जितनी कम होगी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट उतना ही ज्यादा होगा।
क्लियर फ्रेंड्स। तो ये पॉइंट्स थे आपके, कंट्रोल लाइन को हमने समझा, कंट्रोल इंटरवल को हमने समझा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट को हमने समझा, कंट्रोल मैप क्या होता है ये हमने समझा, ठीक है। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ये कंट्रोल ग्रेडिएंट क्या है, कंट्रोल ग्रेडिएंट। तो देखो भाई फ्रेंड, ग्रेड कंट्रोल या कंट्रोल ग्रेडिएंट जो आपको बोल रहा था, ठीक है, जिसको हमने सीजी कहा था, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट और वर्टिकल इक्विवेलेंट के पॉइंट्स को जोड़ने वाला ढाल है उसको बोलते हैं ग्रेड कंट्रोल। तो ये कह रहा है द लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडिएंट अलोंग ए स्लोप, जो एक स्लोप के अलोंग समान ग्रेडिएंट रखती होगी उसको बोलते हैं ग्रेड कंट्रोल। याद रखोगे द लाइन हैविंग इक्वल ग्रेडिएंट अलोंग ए स्लोप, जो एक स्लोप के अलोंग जिस साइड में स्लोप जा रहा है उसी दिशा में यदि इक्वल ग्रेडिएंट कोई लाइन रख रही है तो आप उसको क्या कह दोगे, ग्रेड कंट्रोल कह दोगे। ये कह रहा है सेम स्लोप पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट सेम होगा, अगर स्लोप समान है तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट भी समान होगा, यानी कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, सेम स्लोप सेम हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये थी आपको कुछ मुख्य डेफिनेशंस जो कि कंट्रोल सर्वे से रिलेटेड थी। नेक्स्ट टॉपिक हम ये पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग कंट्रोल इंटरवल, कंट्रोल लाइन या कंट्रोल जो कुछ भी बोल दो, जो कि इनको प्रभावित करने वाले करेंगे। वहां से बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं, लगभग हर एक एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में इतना रखोगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। क्लियर फ्रेंड्स। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय।